हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन में कितना साफ हुआ देश? दावा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार ने 1 करोड़ शौचालय बनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि अब भारत में 90% घरों में शौचालय है, जिसमें से तकरीबन 40% 2014 में नई सरकार के आने के बाद बने हैं। सच्चाई, यह बात सच है कि मोदी सरकार के समय घरों में शौचालय बनने के काम ने रफ्तार पकड़ी है, लेकिन यह बात भी सही है कि अलग अलग कारणों के चलते नए बने शौचालयों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। आज 90% से ज्यादा घरों में टॉयलेट की सुविधा मौजूद है, जो 2014 के पहले केवल 40% घरों में थी। सितंबर 2018 में नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा था, लेकिन विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस परियोजना की आलोचना की थी। कांग्रेस सरकार में पेयजल और स्वच्छता मंत्री रहे जयराम रमेश ने पिछले साल अक्टूबर में कहा था कि हवाई दावों को सच साबित करने के लिए बड़े पैमाने पर शौचालयों के निर्माण के लक्ष्य को पूरी तरह से भटका दिया। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन को 2 भागों में बांटा है। बिहार के एक गांव में लगा सार्वजनिक शौचालय स्वच्छ भारत ग्रामीण, इसके तहत गांवों में हर घर में शौचालय बनाने और खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था। स्वच्छ भारत शहरी, घरों के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भी शौचालय हो, यह सुनिश्चित करना इस मिशन का मकसद है। साथ ही कूड़ा कचरा प्रबंधन पर भी मिशन में ज्यादा फोकस है। भारत में खुले में शौच सालों से चली आ रही समस्या है, जिसकी वजह से कई बीमारियां फैल रही हैं। महिलाओं के लिए यह सुरक्षा से जुड़ा मामला भी है, क्योंकि घर में शौचालय ना होने की सूरत में महिलाओं को अंधेरे में शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन को सफल बताते हुए यह दावा कर रही है कि लक्ष्य का 96.25% काम पूरा हो चुका है, जबकि अक्टूबर 2014 से पहले केवल 38.7% घरों में शौचालय थे। इन आंकड़ों से साफ है कि भाजपा के शासन में कांग्रेस के शासनकाल के मुकाबले दुगनी तेजी से शौचालय बने हैं। भारत के ग्रामीण इलाके कितने खुले में शौच मुक्त हो पाए हैं, उस पर NARSS नाम की एक स्वतंत्र एजेंसी ने सर्वे किया है। नवंबर 2017 और मार्च 2018 के बीच की गई इस सर्वे में 77% ग्रामीण घरों में शौचालय पाए गए हैं, और यह भी बताया गया है कि भारत में 93.4% लोग शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। इस सर्वे में 6,136 गांवों के 92,000 घरों में शामिल किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट पर दावा किया गया है कि देश भर में 36 में से 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच मुक्त हो गए हैं, जबकि 2015-16 में केवल सिक्किम ही एकमात्र ऐसा राज्य था जो खुले में शौच मुक्त था। केंद्र में मोदी सरकार के कार्यालय में देश भर में कितने शौचालय बने, इसके कई आंकड़े हैं, लेकिन इसका कोई आंकड़ा नहीं है कि बने गए शौचालयों में से कितने लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। साफ है कि शौचालय बनाने का यह मतलब नहीं कि उसका इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहा। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के 2016 के आंकड़ों के मुताबिक 2 साल पहले जिन 45% घरों में शौचालय थे, उनमें से 5% घरों में शौचालय का इस्तेमाल नहीं होता था और 3% घरों में शौचालय में पानी का कनेक्शन भी नहीं था। खुले में शौच महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन में सचिव परमेश्वर अय्यर ने BBC से बातचीत की और कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के सफर में तब से अब तक कई बदलाव आए हैं, लेकिन कई NGO ने इस मिशन पर काफी पड़ताल की है और उनकी पड़ताल में इस मिशन की कई खामियां सामने आई। कई शौचालय सिंगल पिट बनकर तैयार हुए हैं, जो हर 5 से 7 साल में भर जाते हैं। कई जगहों पर शौचालय के रख रखाव की समस्या है। कई शहरों में और गांवों में टारगेट की ही गलत सेट किए गए हैं। 2015 में मोदी सरकार ने दावा किया था कि हर सरकारी स्कूल में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन 2016 की ASER रिपोर्ट के मुताबिक 23% सरकारी स्कूलों में शौचालय की सुविधा ही नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन कई रिपोर्ट्स में यह भी पता चला है कि शौचालय बनाने के टारगेट कई साल पुराने हैं और अब तब से अब तक काफी पानी बह चुका है। 2018 में गुजरात में स्वच्छ भारत मिशन पर जारी की गई CAG रिपोर्ट में कहा गया था कि गुजरात में शौचालय बनाने के टारगेट 2012 के हैं, लेकिन तब से अब तक जनसंख्या भी बढ़ गई है और परिवार की संख्या भी। BBC की मराठी सेवा
ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार के दावों का सच जानने के लिए खुद ही कुछ इलाकों का सर्वेक्षण किया था। उन्होंने पाया कि एक गांव में 25% घरों में शौचालय की सुविधा नहीं थी और वो खुले में शौच के लिए जाने के लिए मजबूर थे। ऐसे में पीबीसी मराठी सेवा की कहानी स्थानीय प्रशासन के कानों तक पहुंची। प्रशासन तुरंत हरकत में आया, जिसके बाद वहां और शौचालय बनाए गए। दूसरी कई और रिपोर्ट्स भी हैं जो खुले में शौच मुक्त होने के राज्यों के दावे की पोल खोलती हैं। मसलन गुजरात सरकार ने खुद से 2 अक्टूबर 2017 में खुले में शौच से मुक्त घोषित किया था, लेकिन एक साल बाद कैग की रिपोर्ट के दावा किया कि 29% घरों में शौचालय। इस मिशन की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि जनता अपने आप को बदलने के लिए कितनी तैयार है। भारत में देखा गया है कि अमूमन जो लोग खुले में शौच में के लिए जाते हैं, उन्हें शौचालय का इस्तेमाल करने से परहेज होता है। हालांकि यह बदलाव कितने लोगों ने आया, इसका पता लगाना कोई पैमाना नहीं है, लेकिन कई इलाकों में इसके उदाहरण देखने को मिले हैं, जिससे पता चलता है कि लोग बदलने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के बरेली में हाल ही में एक टॉयलेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता का आयोजन करने वाले स्थानीय प्रशासक अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बीबीसी को बताया कि लोगों ने घरों में शौचालय तो बना लिए हैं, लेकिन आज भी उसे अपने घर का हिस्सा नहीं मानते। यह समस्या ज्यादातर घरों के बुजुर्गों के साथ है। बुजुर्ग घरों में बने शौचालय का इस्तेमाल करने से कतराते हैं। इसी साल जनवरी में प्रकाशित स्वच्छ भारत के सर्वे में भी यह बात सामने आई थी कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोगों की आदत से बदलाव नहीं आ पा रहा है। सर्वे में कहा गया था कि इन राज्यों में 1/4 घरों में शौचालय होने के बाद भी लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।